गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीक हमने 8th चैप्टर का अभ्यास किया था, आज हम 11 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम जो विशेषण के भेद हैं उनके बारे में जान लेंगे। जैसे परिमाणवाचक हैं, इसमें 2 भेद बताए गए हैं इसके, एक निश्चित परिमाण विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध हो, कि उसमें निश्चित रूप से मेंशन किया गया हो कि 1 किलो, 3 किलो, 3 लीटर, तो वहाँ पे क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि। ये दोनों निश्चित परिमाण वाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनका भेद भी लिखिए। सुनीता भोली भाली लड़की है, विशेषण क्या आया इसमें, भोली भाली। कौन सा भेद हो गया, गुणवाचक, उसके गुण को व्यक्त कर रहा है। कक्षा में 3 बच्चे बैठे थे, 3 क्या आ गया, विशेषण। और संख्या है तो यहाँ पे क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। थर्ड है, यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है, यह सार्वनामिक विशेषण। फोर्थ, यहाँ तो कंटेली तार लगी हुई है, कंटेली क्या है, गुणवाचक, उसके गुण को व्यक्त कर रहा है। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो, थोड़ा सा अनिश्चित परिमाण वाचक। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए, 3 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह छात्र आज भी नहीं आया, वह है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। प्रविशेषण होता है जो विशेषण से भी अधिक किसी की विशेषता बताई जाती है, उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। फर्स्ट है, बाप रे सांप तो बड़ा भयानक था, बड़ा क्या आ गया इसमें, प्रविशेषण। लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत क्या आ गया इसमें, प्रविशेषण, जिसमें विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। 7वीं कक्षा के बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं, अधिक प्रविशेषण। अत्यंत विषैली चीज़ों को बच्चे से दूर रखना चाहिए, अत्यंत प्रविशेषण। शैलजा अति चतुर लड़की है, अति क्या आ गया इसमें, प्रविशेषण। नीचे दिए गए विशेषण के भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। गुणवाचक विशेषण, रीमा बहुत चालाक लड़की है। संख्यावाचक विशेषण, दरवाजे पर कोई आया है। परिमाणवाचक विशेषण, खीर बनाने के लिए मुझे 3 किलो दूध चाहिए। सार्वनामिक विशेषण, यह घड़ी मुझे मेरे भाई ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों से उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता आपने पिछले साल भी पढ़ा है, इसमें आपको पता है कि उर्दू के 5 शब्दों को नुक्ता में मान्यता दी गई है, जैसे क, ख, ग, ज और फ। नुक्ता पैर के नीचे लगाने से उनका जो साउंड है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए किस किस वर्ड के नीचे नुक्ता लगा है। नज़र ज के नीचे, काफ़ी फ के नीचे, तेज़ ज के नीचे, बर्फ फ के नीचे, आवाज़ ज के नीचे, रफ्तार फ के नीचे, हजार ज के नीचे, सफ़ेद फ के नीचे, वज़न ज के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए वाक्य को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। फर्स्ट है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोकी, एक दूसरे को शाबाशी दी। ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनका कि मुझे कुछ एहसास हुआ। थर्ड, चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब देने लगे कि मैं बहुत थक चुका था। खाई की गहराई को देखकर मेरा दिल दहल गया कि
कि मुझे बहुत डर लगा कि एकदम से मेरा दिल टूट गया। पांचवा, एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है कि बहुत मुश्किल काम है। हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई कि हमें कुछ हौसला हुआ। 16 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। जो पर्वत की चढ़ाई करे पर्वतारोही, जो चित्र बनाए चित्रकार, ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह ईदगाह, कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति, जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध, जो संगीत का ज्ञाता हो संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विद्यालय की ओर से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। सूचना के बारे में बताया गया है, नोटिस है आपका, ये सूचना, विद्यालय का नाम, DAV मुनक, विषय आपका पिकनिक जाने हेतु। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक जुलाई की जगह यहाँ सितंबर लिख लेंगे आप। सुबह 7 बजे विद्यालय की ओर से जयपुर के लिए एक पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इसमें जाने के इच्छुक हैं, इच्छा रखने वाले हैं, वे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को लिखवा कर फॉर्म लें और 29 सितंबर तक पूरा करके कार्यालय में जमा करवा दें। और नीचे आपने आदेशानुसार लिखना है और प्रधानाचार्य, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा सारा। धन्यवाद बेटा, अच्छे से इसको अपनी बुक पे नोट कर लें और याद कर लें। धन्यवाद।